बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारी जेता जियो पिंड तब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए त्या हो करी वखियान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए त्या हो करी वखियान जागदी जोत जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुगट अल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिन्हां दा पहला प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते संगतां विच अथा प्यार अथा उत्साह है चारे पासे संगतां दा हड़ आया हुआ गुरु प्यार वालियां संगतां मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो बख्शिश होए पावन हुक्म दी विचार सुन ते करन वास्ते गुरु दरबार विच जुड़ बैठे हो देशां विच विदेशां विच जिथे जिथे भी संगतां जुड़ बैठियां हन आओ सब तो पहला गुरु पातशाह जी बख्शी हुई फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह करो सज्जन सच्चा पातशाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला कार पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु सवारी सात संगत असी सारे गुरु कृपा दे पात्र इसलिए
कि गुरु पातशाह जी का हुक्म है वडभागी हर संगत पान है। जिन्हों के बहुत वड्डे भाग होंदे ने वो हरी की संगत विच जुड़ते हैं। संगत किसी भीड़ इकट्ठ नूं नहीं किया जाता। संगत का वड्डा गुण है जिथे सतसंगत की जाए। बाणी गुरु जी ने मोहर लाई है सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी। जिथे एक नाम की चर्चा विचार होवे उन्हूं सतसंगत किया जाए। और गुरु पातशाह बड़ी कृपा करते ने जिथे तुहानूं सारिआं नूं प्रबंध वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों जी आया नूं कहा जाता गुरु पातशाह भी फरमाते ने। एक बारी सारे प्यार विच आयो ये पंगतियां इसलिए सुननियां ते पढ़नियां ने इत्थे करना की है इत्थे असी की करन आए हाँ सानू इत्थे आके की मिलेगा। गुरु पातशाह बड़ी प्रेम भरी आवाज विच कहिंदे ने आए मिल गुरसिख आए मिल आए मिल गुरसिख आए मिल। देखो गुरु साहिब वालों भी तुहानूं सारिआं नूं सदा दिता गया आओ गुरु के सिख खवाउण वाले हो आओ आके की करो मिल बैठो। क्योंकि तुसी अपने आप नूं कहाउंदे हो तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे। बहुता समा नहीं मैं व्याख्या नहीं करांगा मैं सिर्फ तुहानू प्रेरणा की है ते जे को पूछे महाराज सानू आके की मिलेगा आख्या हर के गुण हर भाव दे हर के गुण हर भाव दे। से गुरु ते पाए से गुरु ते पाए हरि दे गुण हरि नूं भावदे चंगे लगदे पर उन्हां गुणां दी सोझी कौन देवेगा। वह गुरु कोल बैठांगे गुरबाणी नूं सुणांगे विचार करांगे ते पता लगेगा। अज बहुत सारे गुरसिखां नूं एक भरम भुलेखा पै रहा कोई कह रहे ने जी वो सिमरन करिया करो बाणी पढ़न दी कोई लोड़ नहीं सिमरन करो ना भाई बाणी भी पढ़नी है सिमरन भी करना है। क्योंकि बाणी ने सानू ये दसना है किस दा सिमरन करना है क्यों सिमरन करना है किमें सिमरन करना। इसलिए पातशाह सानू आवाज़ मार के कहिंदे ने आओ भाई आओ जे तुसी गुरु पातशाह कोल आके बैठोगे हर कियां कथा कहानियां हर कियां कथा कहानियां। गुर मीत सुनाइया गुर मीत सुनाइया तुहाडे आउण दा स्वागत। आउणा क्यों है आके की करना है सानू इत्थों की मिलेगा। गुरु पातशाह ने बड़े प्यार विच भेज के आख्या गुरु के सिखो तुसी सिर्फ मटर गश्त करन नहीं आए पिकनिक मनाउण नहीं आए बाजारां विच फरीदो खरीदो फरोत करन नहीं आए
बल्कि गुरु की संगत विच आओ ते संगत विच बैठ के उस परमेश्वर दे गुणां नूं सुनना करो। अज दा जो पावन शब्द है ये लगभग हर गुरु के सिख नूं जबानी याद है, क्योंकि जिहड़ी शब्द हजारे बाणी है मैं पढ़ रहा सी हजारे बारे, ये सिरलेख गुरु साहब ने नहीं दिता, पर गुरसिखां नूं इन्हां शब्दां विचों कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वाहगुरु नाल गल्लां हुंदियां ने सिद्धियां। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने महान कोश विच हजारे शब्द दे जो अर्थ दिते ने वह हजूरी तो भी दिते ने, हाजर तो भी दिते ने और हिजर तो भी दिते ने। गुरु के सिख दे अंदर जदों ये चाहना पैदा हुंदी है कि मैं वाहगुरु नाल गल्लां करां, ये शब्द वाहगुरु नाल गल्लां कराउंदे, सचमुच कोई करके देखे, सचमुच कोई बाणी नूं प्रीत नाल पढ़े ते विचारे, बाणी रब नाल गल्लां कराउंदे। मैं कई बारी बेनती करदा लोग रब दीआं गल्लां सुणाउंदे ने, गुरबाणी रब नाल गल्लां कराउंदी है, पर जे किसी नूं करन दी जाच आ जाए ते करन दी जाच भी आपां गुरु महाराज कोलों सिखणी है। इसे लई गुरु पातशाह प्रेरणा करदे ने, आए मिल गुरसिख आए मिल, आए मिल गुरसिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, जे किसी नूं जाच ना आवे मिलन दी तो भी गुरु साहब दसते ने। आ गुरु कियां दो पंक्तियां याद रखिया करो, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, गुरु सानू भरा भी कहते ने, मित्र भी कहते ने। हे मेरे भरावो, हे मेरे मित्रो, एकत्र हो। तुसी आखोगे जी हो गए, कहते फिर मिल के बैठो, ये ना हो कोई किधरे जुंडली बना के चौंकड़ी बना के बैठा रहे, नहीं संगत बिच मिलो। जे मिल गए हो, जे गुरु की संगत भी जुड़ गए हो, फिर एक काम होर करो, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा की है तुसी सारे जानते हो। इको समय दो पासे ध्यान रखना दुविधा, देखी जाना कौन आ रहा है, किदा दुपट्टा किहो जिहा, किदी पग किहो जिही, ना 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 ये दुविधा छड्डो, नाल ही दस दिता ये दुविधा किवें छुटेगी। लिव लाए, लिव बड़ी सूक्ष्म है, ये लगती भी बड़ी औखी है ते टुटती बड़ी सौखी है, एक मिनट भी टुट जाती। आख्या मेरी सलाह मनो, जे गुरु के शब्द तो सिख्या लैनी है तो फिर ये काम कर लो, तो किसी के नक मूँह वाल नहीं वेखना। होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेवलाए, दुविधा दूर करो लेवलाए, देखो गुरबाणी विच जो अक्षर वरते ने वो आम तौर पर गुरु साहब ने वो वरते ने जिहड़े तुसी आम तौर पर अपनी गलबात विच वरतदे हो। फलाने दा फलाना जोड़ी है, दार है, वो दी उहदे नाल बड़ी जोड़ी है,
आख्या इत्थे आके गुरु के सिख ने की करना है, हर नामे के होवो जोड़ी, हर नामे के होवो जोड़ी। गुरमुख बैसो सफा बिछाए, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। जदों तुसी गुर स्थान की यात्रा करके घर जाओगे ना, तुहाडी ड्यूटी बनती है, जिहड़े घर दे मैंबर नहीं आ सके किसी मजबूरी करके, उन्हां नूं दसना है असी आ कुछ सुन के आए हाँ, सानू गुरु साहब ने आ गल दसी है, फिर तुहाडा परोपकार भी होगा, उन्हां दा भी भला होगा। आओ हुण विचार करिए, ये जिहड़ा शब्द है ये क्योंकि तनासरी राग दे आरंभ विच है, इसलिए पहले लिखिया तनासरी। अगे है पहले पातशाह गुरु नानक देव जी दे मुखारबिंद तो उचारण किया होया, ये घर पहले विच गायन करन दी सेध दित्ती, और इस शब्द दे चार पदे हैं, इसलिए नू चौ पदे किया। अगे है मंगलाचरण, इनू असी मूल मंत्र भी कहते हैं, बचपन तो सुनते आए, जिस गुरु के सिख नू एक ओंकार की समझ आ गई, उनू गुरु की मत की समझ आ गई, इन्ना महत्वपूर्ण है एक ओंकार। क्योंकि सारा संसार परमा विच भुलिया होया सी, लोग 33 करोड़ देवत्यां की पूजा करते सन, अज भी कई करते ने, सानू किसी ते कोई इतराज नहीं, पर जो गुरु ने कहा सी ते वो गल करनी। एक परिवार के अंदर जितने मैंबर हैं उन्ने देवियां ते देवते ने, माँ किसे होर देवी नू मनदी, धी किसे होर नू, प्यो किसे होर नू, पुत्र किसे होर। बाबे नानक ने आख्या तुसी बड़े औखे होवोगे, किहड़े किहड़े नू राजी करोगे, इस पटकना विचों निकलो, ते एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, ये है एक दी व्याख्या। उदू बाद है ओंकार, जे उपरली कार हटा दो ना बोलो तो थले की रह जाएगा ओम। इहदी व्याख्या जो वेदांत वाले करते ने, सनातन मत वाले करते, ओम अखर बड़ा पवित्र मनिया जा, पर इहदी व्याख्या वो करते ने कि ओ से उत्पत्ति करने वाला, आ से रक्षा तथा पालन करने वाला, मां से अर्थ है मार देने वाला, वो ब्रह्मा विष्णु महेश नू मनदे ने। बाबा नानक जी कहते ना भाई, वो एको ही है जेड़ा पैदा भी करता है, पालन भी करता है, ते मारन की समर्था भी रखता, फिर वो एक रहिंदा किथे है, कार। इस कार का मतलब है वो सर्वव्यापक है, वो एक जो सर्वशक्तिवान है, वो एक सर्वव्यापक है, जिसका प्रमाण बाणी विचों एक नहीं अनेक जगह मिलता है कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई, स
सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए, अख्या वो जोत रूप है और सारिया विच विराजमान है, किधरे भुलेखे विच ना पै जाए। ये है एक ओंकार की व्याख्या। मेरे पिता जी कहा करते सन, पुत्र जिन्हों एक ओंकार की व्याख्या समझ आ गई उन्हों मानो सारे मूल मंत्र की समझ आ गई, तो जिन्हों मूल मंत्र की समझ आ गई उन्हों सारे गुरु ग्रंथ साहब की समझ आ गई। कितना जरूरी है। फिर अगे उसका विस्तार करके दसिया, क्योंकि मैं समझना जिमें किसी वस्तु तो किसी व्यक्ति के गुणों का पता ना हो, असी उसकी कदर नहीं करते। भगत कबीर जी ने बड़ा खूबसूरत कहा, कबीर मार्ग मोती बीथरे, मार्ग मोती बीथरे, मार्ग कहने रस्ते नू, इत्थे मार्ग दे गगे नू सियारी है, रस्ते विच मोती खिलरे पए ने, अंधा निकसो आए, अन्ना बंदा जिन्हों नज़र नहीं आता उस रस्ते ते आ गया। जोत बिना जगदीश की जग तो लंघे जाए, उन्हां मोतियां ते पैर धर के लंघ जांदा। इस तरह साध संगत, हर वस्तु विच गुण हैं, हर व्यक्ति विच गुण हैं, पर जे सानूं उस वस्तु के गुणों का पता ना होवे असी बेकदरी कर दें। इस तरह व्यक्ति संगत में सारे आए ने, सब जी आया, पर जदों किसी विशेष व्यक्ति की इंट्रोडक्शन कराई जाती है फिर साडे मन में उहदे लई एक विशेष सत्कार पैदा हो जाता। इसलिए गुरु साहब ने पहला एक दी गल कीती, फिर सर्वशक्तिवान दी कीती, फिर सर्वव्यापक दी कीती, फिर उहदे गुण दसे। आख्या वो सत्त है, गुरबाणी में तो सत तीन रूपां में आता है, एक सत तत्ते नूं सिहारी नाल, एक सत तत्ते नूं औंकड़ नाल, एक सत तत्ता मुक्ता। पढ़ना तिना नूं सत है, उचारण में कोई फर्क नहीं। जेड़ा सत तत्ता मुक्ता है वह गिणती का सत है, जेड़ा सत तत्ते नूं औंकड़ नाल है उस दान लई आचरण लई करैक्टर लई है, पर जिस सत दे तत्ते नूं सिहारी है इहदा अर्थ है सत्य है, जो सदा कायम रहने वाला है, ये उसकी व्याख्या हो रही है। जे उहदे नाल किसी ने जुड़ना हो, जे उहदी भगती करनी हो, नाम रूप है, उहदा कोई चक्कर चेहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित तोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहन गणिजय, त्रिपवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बंत्रण कहत, तब सर्ब नाम कथय कवन, कर्म नाम वर्ण सुमन। बाबे ने नामा की व्याख्या भी कर दी, आख्या वो नाम जिस दे नाल नामी नू याद किया जा सके। इसलिए उहदी कोई मूर्ति कोई चित्र कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, फिर वो करता पुरख है, सारे संसार का करता है, क्रिएटर है, बनाने वाला है, पर कमाल की गल है कि जो उसने बनाया है उसदे विच व्यापक है बैठा होया। आ मिस्त्री ने मकान बनाया, मिस्त्री चला गया, मकान इत्थे खड़ा, पर जिहड़ा मकान मेरे वाहगुरु ने बनाया ना, जब तक करो मेरे विच बैठा है मैं उदों तक बोल सकता, जब तक तुहाडे च बैठा तुसीं सुन सकदे हो, इसलिए उहनूं करता पुरख कहा। फिर वह निर्भाव है, उहनूं किसी का डर नहीं क्योंकि वह सब तो वड्डा है, फिर वह निर्वैर है, असीं सारे उसके बच्चे हाँ, सानूं भुलेखा लग जांदा रब ने मेरे नाल इउं कीता, ना ना, माँ प्यो दे किन्ने ही बच्चे होण, माँ प्यो लई बच्चे ने, बच्चे तो कई बार कहते सुने जाते हैं लो जी पापा जी ने साडे नाल इउं कीता, मम्मी ने, ना ना ना, उन्हां दी नज़र च बच्चे ही हैं, तो परमात्मा निर्वैर है,
अकाल मूरत, हुण मूरत शब्द जो किया जाए कई बड़े चेतन हो जाए मूर्ति नहीं नहीं इत्थे मूरत का अर्थ है उसकी हस्ती उसका व्यक्तित्व जो है वह काल की पकड़ तो रहत है वह समय के अधीन नहीं अजूनी है वह जूनिया तो रहत है। यह गुरबाणी का एक नियम है असल अखर के अगे जदों ऐड़ा नैगेटिव लग जाता है फिर वह अजूनी इनू कई अणजाण आजूनी नहीं कहना अजूनी जूनी तो रहत सहभंग सुते प्रकाश रोज तुसी पढ़ते हो थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान। कितनी सरल व्याख्या है। फिर पातशाह ने कहा हाँ उहदी सोझी गुरप्रसाद गुरबाणी में प्रसाद भी तीन रूपां में है प्रसाद ददे नूं सिहारी नाल प्रसाद ददा औंकड़ प्रसाद ददा मुक्ता तिन्हां दा उचारण प्रसाद है पर अर्थ लगा मात्रा करके वख वख ने। जिहड़े प्रसाद दे ददे थले औंकड़ है उहदा अर्थ है कृपा। रोज़ तुसीं पढ़दे हो काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। उत्थे प्रसाद दे ददे नूं औंकड़ है इत्थे प्रसाद दे ददे नूं मुक्ता सिहारी है जिहदा अर्थ है कृपा द्वारा वह गुरु की कृपा द्वारा जन। इसलिए तुसी सारे आए हो तुहानू सारिआं नूं गुरु पातशाह कृपा करनगे तो एक बारी जुड़ो मिलो ते करो रसना पवित्र गज के बोलो सतनाम श्री वाहे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी महला पहला घर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार। सत्संगत आम तौर पर गुरबाणी के शब्दों नूं विचारन लई असी रहाओ की पंगती लैंदे क्योंकि विद्वानों का मत है कि रहाओ की पंगति सेंट्रल आइडिया है केंद्रीय भाव है। पर कमाल की गल है कि इस शब्द के अंदर चार रहाओ हैं। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है साड़ी सहूलत वास्ते साड़ी मुश्किल नूं हल करन वास्ते। जिवें किसी उच्ची जगह पर चढ़ना होवे उत्थे छाल मार के नहीं जाया जा सकता उत्थे फिर स्टैप बनाए जाते हैं पौड़ियाँ बनाई जांदियां और स्टैप बाई स्टैप असी उपर चढ़ सकते। सब तो पहली पंगती विच महाराज फरमाते ने भाई ये संसार दुखों का भरिया होया है रोज़ तुसी पढ़ते हो तित सरवरड़ै तित सरवरड़ै भई दे नवासा पानी पावक तिने किया। आम समुद्र सरोवर विच पानी हुंदा ये संसार विच पानी है अग दा विषय वकारा दा दुखां दा उनू वेख के बंदा डरदा। गुरु नानक पातशाह जिवें किसी टीचर ने पढ़ाना होवे ना पहला उनू आप पढ़ना पैंदा आप पहला बोलना पैंदा फिर बच्चों नू सौखा हो जांदा। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे ने भाई जियो डरत है अपना मेरी जिंद डरती है आ वेख के ना संसार दे दुखां नू भयानक अग्नि विकारां दी वेख के डरती है। उन्हां दी ते नहीं डरती पर सानू समझाउण दा तरीका है तित सरवरड़ै महीले निवासा पाणी पावक तिने किया पंक जो मोह। असीं आम तौर ते पंकज ही पढ़दे हां पर पंकज का इत्थे अर्थ टुकदा नहीं पंक जो मोह
पंख का मतलब है चिक्कड़, ये जिहड़ा मोह रूपी चिक्कड़ है ना। मैं प्रचारक हाँ, मैं सबनों प्रेरदा बई गुरु घर आया वो जी की करिए महाराज, ये बच्चों करके आया ही नहीं जाता, हो गया ना चिक्कड़। रस्ता पदरा होवे बंदा फटाफट तुरिया जाता, चिक्कड़ होवे तो तुरना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। पंख जो मोह पग नहीं चल, फिर मारग ने हम देखा, इनू भी बहुते देखा ही पढ़ते नहीं, देखा हम देखा तह डूबी अले। मैं देखा है कि इतने लोग डूब रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाते ने जियो डरता है अपना, मेरी जिंद डरती है। क्यों डरती हो मैं तुम्हें कारण दस दिता है, कैसे हो करी पुकार। जो बंदे नू डर लगता है फिर आम तौर पर देखिए माँ है मेरी माँ, ये डर तो पै पी तो बचन का तरीका है। प्यो नहीं माँ कहते तो कि माँ नेड़े पहुँच छेती, तो गुरु साहब कहते हैं मैं किदे अगे पुकार करूँ, इतों बचाने लिए ना माँ ना प्यो कोई सहायता नहीं करता। जियो डरत है अपना कैसे हो करी पुकार। फिर नाल ही अगली पंक्ति दस्या, जदों मैं देखा भी कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, फिर मैं की कीता, दुख विसारण सेवया, दुख विसारण सेवया, सदा सदा दातार, सदा सदा दातार। आखे मैं उन्हूं याद किया जिहड़ा सारे दुखां नूं भुला सकदा, और उहदी इक होर बड़ी सिफत है सदा सदा दातार। दातार कहिंदे ने देण वाले नूं, दानी ते बहुत ने पर दातार इको इक है। दातार दी डेफिनेशन की है, जिहड़ा हर इक नूं देवे, हर जगह देवे, हर समय देवे। कोई दुनिया दा दानी ऐसा नहीं, तुसीं इक वारी मंगण जाओगे दे देगा, दूजी बारी जाओगे मैं ठेका ले लिया तू रोज ही आ जाना। सदा देण वाला एक दातार है, इसलिए पातशाह कहंदे मैं तो उन्हूं याद किया। अगली पंक्ति लहाओ दी पढ़ो जी, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। देखो गुरु की वडियाई ये हुई है भी गुरु ने सानू मार्गदर्शन करना। एक तां गुरु के सिख ने उस परमात्मा तो अकाल पुरख तो बिना होर किसे दे दर ते नहीं। दद्दा दाता एक है सबको देवन हार, देंदे तोट न आवे अगंत भरे भंडार। वो कदे थकदा ही नहीं, कदे अकदा ही नहीं। आख्या साहेब मेरा नीत नवा, वो इवें ही है जिमें कल सी में अज है, वो नहीं कदे थकना। और सदा सदा दातार, जदों भी जिस वेले भी तुसीं मंगोगे पढ़दे ते रोज़ जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। पर इहदे ते निश्चा बनाउणा पवेगा, जिहड़ा निश्चा बना लेगा वह फिर कबरां ते नहीं जाएगा, वह फिर जोतियां दे पिछे नहीं फिरेगा, वह पुछां वालियां दे अगे जाके मत्थे नहीं रगड़ेगा। कहिंदा ना, मैं तां अपने दातार नूं याद करां। ये पहला पद ते रहाओ दी पंक्ति पूरी हो गई, अगे चलो। रहाओ आन दिन साहेब सेविया अंत छड़ाए सोए। हुण करना की है, साडे च कमी बड़ी है। एक पंजाबी का मुहावरा है, मकान उसरिया ते तरखाण बिसरिया, कम होया पूरा ते खोती सुटिया पूरा। असीं मतलब ही बड़े हैं, जदों ते सानू मतलब होवे भावें किन्ने खंड पाठ करा लो, मतलब है ना। जदों मतलब पूरा हो, कई तो मतलब तो ही पहला शर्त लाउंदे ने, महाराज जे काम करोगे तो मैं खंड पाठ करावांगा। उत्थे भी असी मार खा जाना। कबीर जी ने बड़ा खूबसूरत किया, कबीर काम परे हर सिमरी है। सारे लोग कम पैन ते याद करते हैं, ऐसा सिमरो नित। ये तो भरोसा हैगा
भी वो काम करेगा, पर यह स्वार्थ वृत्ति है, ये सच्चा प्यार नहीं है। गा फरीदा जा लभता ने क्या, लभता कूड़ा ने किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे में। ये टेंपरेरी जी प्रीत है। कबीर जी कहते हैं जे तुसी सच्ची प्रीत करनी तो जिन्हों कम पैन ते याद करते हो उन्हों नित याद करो, फिर की होगा अमरापुर बादशाह करो। हर गया बहोर है बित, सात संगत टाइम बड़ा संकोचवा होंगे, पर गल समझाए तो बिना अगे तुरना भी मुश्किल है। बित कहते हैं दौलत नू, आंदे ने जे रोज़ सिमरन करोगे तो तुहाड़ा गुआचा होया धन भी तुहानू मिल जाए। तुसी आखोगे साडा गुआचा ही कोई नहीं, विचार के वेखो गुआचा है। जदों बच्चा छोटा हुंदा उहनू आपां कहिंदे रब दा रूप है, कहने क्यों कहने क्योंकि उहदे च रब वर्गे गुण हन। ते हुण साडे गुण कित्थे ने, हुण असीं गुआ बैठे हाँ, हुण साडे वर्गा कोई धड़ेबाज नहीं, साडे वर्गा कोई पार्टीबाज नहीं, असी हर एक ते चिकड़ उछाली जाने। ये औगुण है, ये गुआ बैठे असी गुण। महाराज ने जे रोज सिमरन करोगे ये सारे गुण वापस आ जाने। लो अगली पंक्ति फिर पढ़ो। सुन सुन मेरी कामनी, अन दिन साहेब सेविया। भाई ऐसे प्रभु नू अन दिन हर रोज याद करो, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरुका, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले सको। ये हुण सब की याद करके जायो। अन दिन साहेब सेविया, अन दिन साहेब सेविया, अंत छड़ाए सोए, अंत छड़ाए सोए, अंत दे तते नू सियारी है, अखीर वेड़े ओही छड़ाएगा। अगे चलो जी। सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए। पर ये जिहड़ी साडी जिंद है ये डावां डोल होई रहिंदी, उत्थे चल उत्थे चल उत्थे चल। मारे कहिंदे ना, इस जिंद नू रोज सुनो समझाओ, सुन दे नाने नू सियारी है। सुन सुन मेरी कामणी है, मेरी ये जिंद है, सुन। जे उस सच्चे दा पला फड़ेंगी ते पार उतारा होए। चलो। दयाल तेरा नाम तरा, सत कुरबान जाओ। हुण दूजा रहाओ है, इहदे विच महाराज फिर बेनती करदे। दयाल इत्थे लल्ला मुक्ता है, हे दयाल, हे दया दे कर वाहिगुरू मेरे ते कृपा कर। मैनू निश्चा हो गया, गुरु ने मैनू समझा दिता, तेरे नाम तरा, तेरे नाम दे आसरे मैं तर सकता। नाम दे मम्मे नू भी सियारी है, तेरे नाम दा आसरा लेके मैं तर सकता। सद कुरबान है जाओ, मैं सदा ही तेरे तो कुरबान वारने जाना। शब्द याद कर लो, मैं इसलिए पढ़ाना इसलिए कि अखर दे अर्थ करवाना भी तुहानू याद हो जाए। जदों भी तुहाडा मन कदे डावा डोल होवे, गल विच पल्ला पा लो ते आखो सुन सुन मेरी कामणी, सुन सुन मेरी कामणी, पार उतारा होए, पार उतारा होए, जे थोड़ी बहुती डावा डोलता होवे ना, घबराना नहीं, फिर कहना दयाल तेरे नाम तरा, दयाल तेरे नाम तरा, लो अगे पढ़ो। रहाओ सरबंग साचा एक है, दूजा नाही कोए। हुण फिर कई पुछदे ने जी रब रहिंदा कित्थे, दसो सानू
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਲਓ ਇੰਨੇ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਰਬੰਗ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਕਰੋ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਧਿਆ ਮਿਲਵੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇ ਵਰਹਾ, ਸਾਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਨ ਇੱਕ 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 ਕਦਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ? ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖ ਹਾਲ, ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਂ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਰਹਾਓ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ। ਲਓ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਭਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕਾਕਾ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੈ।
जिथे नानक दे कके नूं औंकड़ आ जाए वो नानक जी अपने वास्ते कह रहे। मैं पुछदा तुहानूं तुसीं जपजी साहब पढ़दे हो? हाँ जी। फिर दसो जपजी साहब च नानक कके नूं औंकड़ वाला किन्नी वारी आउंदा? नहीं पता, विरलिया नूं पता, दो वारी आउंदा। नानक नीच कहे विचार, नानक क्या विचारे, देख लो जाके। तो इत्थे नानक दे कके नूं औंकड़ है। पातशाह कहिंदे ने बेनती करदा मैं, तुसीं भी करो। की बेनती करो जी? नानक ताका दास है, नानक ताका दास है, नानक ताका दास है, नानक ताका दास है। बिंद बिंद चुक चुक हो, बिंद बिंद चुक चुक हो, बिंद बिंद शब्द आम वर्त्या, बिंदे बिंदे थोड़ी थोड़ी देर बाद चुक चुक होए। मैं तेरे तो कुर्बान जावा, तेरे तो कुर्बान जावा। लो हुण चौथी रहाओ दी पंक्ति विच पातशाह की कहिंदे हन? साहिब तेरे नाम विट हो, बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। देखो साध संगत उपर भी साहिब आया, पर उत्थे साहिब दे बब्बे नूं औंकड़। इत्थे साहिब दा बाबा मुकता है, क्यों? इत्थे साहिब नूं संबोधन कीता है। ये नियम है, जदों किसे नाउन दे थले औंकड़ आएगा वो नाउन एक वचन, पर जदों औंकड़ हट जाएगा वो संबोधन हो जाएगा। जिवें मन दे नन्ने नूं औंकड़ है मेरा मन, पर जदों मन नूं बुलाउणा होवे ए मन चंचला सुन मन मेरिया, उदों औंकड़ हट जाएगा। इत्थे साहिब नूं संबोधन कीता, हे साहिब मेरे ते कृपा कर। साहिब तेरे नाम बिटों, साहिब तेरे नाम बिटों, साहिब तेरे नाम बिटों। बिंद बिंद चुक चुक होए, बिंद बिंद चुक चुक होए, ऐसी कृपा कर। मैं हर वेले तेरा नाम जपा ते साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतर चिन, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की दूर मन मन। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, हर तन के पर ले पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। भुला चुका दी खिमा बख्शनी, अखीरली पंक्ति पढ़ के फतेह बुला। साहेब तेरे नाम विटो, बिंद बिंद चुक चुक होए, साहेब तेरे नाम विटो, बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।